सो ही गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी अकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स सिलेबस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। अब नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो ज़रूरी ये है कि कौन से टॉपिक आपने मैथ्स में करने हैं और नहीं करने हैं, इनका पता आपको होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आपकी बुक से डिलीट हो गए हैं और आपको नहीं करने हैं। सो जिन भी बच्चों के पास पुरानी बुक है वो उससे पढ़ सकते हैं, बट आपको एक चीज़ करनी है, वो टॉपिक, वो एक्सरसाइज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आपने उस पर कट लगाना है और वो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस आप नहीं करें। सो गाइज, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसमें से एक्सरसाइज 1.1 आपने नहीं करनी है और 1.4 भी आपकी डिलीट हो गई है। ये हम बता रहे हैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। नई बुक में आपको एग्जैक्ट सेम सिलेबस दे रखा है जो आपका इस सेशन में आएगा। तो जिन्होंने वो बुक खरीद ली है वो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं खरीदी है, जो पुरानी बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। इसमें से आपने एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 आपने कट करनी है। ये आपके नए सेशन में नहीं आएंगी और आपने इनको नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सो यहाँ पर आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.5, 3.6 एंड 3.7 नहीं करनी है, विच मीन्स आपने एक्सरसाइज 3.2 करनी है, 3.4 करनी है। सो ये आपका जो है नए सेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3 आपने इस चैप्टर में से नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। एपी जो चैप्टर है वो आपका फुल आ रहा है, आपने पूरा चैप्टर करना है, इसमें कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। सो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है ये पूरा ही चैप्टर करना है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्रायंगल्स, इसमें से आपका 6.4, 6.5 और 6.6 एक्सरसाइजेस जो हैं वो डिलीटेड हैं और आपने जो करनी है वो है 6.1, 6.2, 6.3, ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.3 आपने नहीं करनी है, एक्सरसाइज 7.4 भी आपने नहीं करनी है, यानी कि आपने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 पूरी करनी है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपने एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, बाकी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 8.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज के करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, आपने पूरा ही करना है और ये चैप्टर काफी अच्छा भी है, सो आपने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपने एक्सरसाइज 12.3 नहीं करनी है, वो आपकी सेशन में नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सो स्टूडेंट आपने इस चैप्टर में से 13.3 नहीं करनी है, 13.4 नहीं करनी है, 13.5 भी नहीं करनी है और बाकी की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं वो आपने करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, सो यहाँ पर आपने एक्सरसाइज 14.4 नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, आपने एक्सरसाइज 15.2 नहीं करनी है और यहीं पे ये जो आपका सिलेबस है डन हो जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि आप कैसे देख सकते हैं नई एनसीईआरटी की बुक, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज, आपने गूगल पे आना है और टाइप करना है एनसीईआरटी बुक्स। आपने सबसे पहली साइट होगी ncert.nic.in, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। देन आपने यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास टेंथ। आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है मैथ और आपने टाइटल भी सिलेक्ट करना है मैथमेटिक्स। आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास टेंथ की न्यू लेटेस्ट बुक आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की, जो करेंटली आपकी मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पर आप चैप्टर्स पे क्लिक करके हर एक चैप्टर्स को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा कि
फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो जिनके पास पुरानी बुक है आप यहाँ से टिक लगा सकते हैं, और जिन्होंने अभी बुक नहीं खरीदी है सो वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नई वाली बुक में जो है आपकी सिर्फ दो एक्सरसाइजेज हैं, 1.1 एंड 1.2, और चैप्टर यहीं पर फिनिश हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो इस तरीके के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन given below. Thank you guys.